नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा कंफ्यूजन की सोल्यूशन की स्पेशल सेशन की टेंशन की और इन चार शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? जो राजनीति का पहिया तेजी से घूम रहा है और आमने सामने एनडीए और इंडिया है आज की मौजूदा हालत इन चार शब्दों में भी समेटी जा सकती है अब वो कैसे एक पुरानी कहावत है नौ दिन में चले अढ़ाई कोस इसे मैं थोड़ा बदल देता हूं ढाई महीने में चले अढ़ाई कोस क्या यह स्थिति है इंडिया की आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए की जिसकी बैठक चल रही है मुंबई में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और दिलचस्प बात क्या है यह तीसरी बैठक है ढाई महीनों में इसीलिए ढाई महीनों में अढ़ाई कोस का मैंने जिक्र किया तेईस जून को पटना में बैठक हुई फिर सत्रह और अट्ठारह जुलाई को बेंगलुरु में यह विपक्षी शासित राज्य थे आज एनडीए शासित राज्य में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही है और 28 दल हो गए हैं 26 की जगह अब यह संख्या 28 हो गई है एनडीए अपनी संख्या उनतालीस बताता है छोटे मोटे दल सब हर कोई किसी ना किसी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन जब जोड़ने की बात होती है क्या इंडिया दरअसल ढंग से जुड़ पा रहा है और जब मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद सवाल यह उठने लगे थे और देखने वाली बात यह भी हो गई थी कि क्या इंडिया मुकम्मल रूप से एक मंत्र साझा करता दिखेगा और सबसे ज्यादा निगाहें थी भारतीय राजनीति के और विपक्षी खेमे के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार पर शरद पवार ने हालफ हाल फिलहाल में ही एक बयान दिया था कि पार्टी तो एक ही है अपनी पार्टी के बारे में भतीजे से मुलाकात भी की थी भाई एनडीए के साथ हैं इंडिया के साथ हैं सवाल उठने लगे थे कांग्रेसी खेमे से सवाल भी उठे पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि भाई केंद्र में मंत्रालय मिल रहे हैं शरद पवार को भी दिए जा सकते हैं सुप्रिया सुले उनकी बेटी को भी यहां यानी कि महाराष्ट्र में सरकार में उनके वफादारों को मंत्री बनाया जा सकता है वगैरह वगैरह पर यह कंफ्यूजन जो थी यह तो दूर होती दिखी है लेकिन उससे बड़ी कंफ्यूजन जो सबसे अहम सवाल है और यहां पर ढाई महीने की बात नहीं है यहां पर एक साल का जो फासला विपक्षी खेमा तय करता पाया गया है भाई पिछले साल सितंबर के महीने में ही नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और विपक्षी एका की ताल ठोकी थी साथ आ जाओ हम बहुमत नहीं लाने देंगे बीजेपी को फिर कहा 200 से नीचे समेट देंगे फिर कहा 100 से नीचे भी पटकनी दे देंगे उसका संयोजक कौन होगा मैं प्रधानमंत्री चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं पर संयोजक कौन है क्या वो तय हो पाएगा संकेत ये मिल रहे हैं कि नहीं संयोजक अभी बैक बर्नर पर है कोई अध्यक्ष होगा फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं पर बात खुद ही एनडीए खेमे से निकल रही है इंडिया के खेमे से निकल रही है अरविंद केजरीवाल के बारे में उनकी मुख्य प्रवक्ता कह देती है उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं यही बात जेडीयू खेमा नीतीश कुमार के लिए कह देता है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए ताल ठोक रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे के बारे में कह रहा है अब वो बात तो संभली पर सीटों का बंटवारा हो पाएगा क्या उसकी कोई रूपरेखा है कोई वैकल्पिक विचारधारा जिसे लेकर बीजेपी के इस जगनौथ को चुनौती देने का मन बनाता दिख रहा है इंडिया वो रूपरेखा क्या तैयार हो गई अभी खबर यह आ रही है कि भाई लोगो जारी कर दिया जाएगा एक सेक्रेटेरिएट बनेगा जो बनना था बेंगलुरु में तय हो गया था एक समन्वय समिति भी बननी थी और सोशल मीडिया के लिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सब जो प्रोफेसर बन गए हैं आप जैसे लोग भी और मेरे जैसे लोग भी तो सोशल मीडिया पर एक साझा रणनीति विपक्ष की होनी चाहिए तो इससे क्या तैयारी मुकम्मल हो जाएगी सात महीने रह गए हैं चार महीने इस साल के और तीन महीने अगले साल के मार्च तक चुनावी घोषणा हो जाएगी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो क्या राजनीति का पहिया तो तेजी से घूम रहा है विपक्ष को अपनी रणनीति का पहिया भी तेजी से घुमाने की अब जरूरत है क्या और जब यह सब हो रहा था आज एक और खबर गिरी अडानी मामले ने फिर सुर्खियां बटोरी द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स दो अखबारों ने विदेश में छपते हैं उन्होंने खुलासा किया है आरोप लगाया है कि अडानी समूह में एक अरब डॉलर यानी कि 8,200 करोड़ रुपए का काला धन निवेश किया गया इसमें एक चीनी नागरिक है एक अरबी है और वो कदम ताल कर रहे हैं गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के साथ और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली राहुल गांधी ने कि ये मोडानी युग चल रहा है मोदी और अडानी की दोस्ती के चलते ये गोरख धंधा हो रहा है और क्यों चुप है सेबी क्यों चुप है ईडी तहकीकात क्यों नहीं हो रही पूछताछ क्यों नहीं हो रही समूह ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया लेकिन एक और खबर गिरी और खबर क्या कि 18 से 22 सितंबर के बीच पांच दिनों का संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा अब पहले बार मैंने यह खबर सुनी मैं थोड़ा अचंबे में था कि यह क्या हुआ मानसून सत्र पर किस तरह से पानी बह गया ये आपने देखा हंगामे की भेंट चढ़ गया वॉकआउट ज्यादा हुए चर्चा कम हुई बाद में हुई मणिपुर पर वो भी आरोप प्रत्यारोप में ही कर रह गई अभी अभी जुम्मा जुम्मा चार दिन पहले तो ये मानसून सत्र खत्म हुआ है तो एक स्पेशल सत्र की जरूरत क्यों पड़ी अब जयराम रमेश कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड हैं वो कहते हैं कि ये मोडानी की खबर आ गई हम सब लोग मुंबई में मिल रहे हैं तो किस तरह से खबर पर खबरों पर अपना कब्जा जमाया जाए तो ये खबर आ गई है पर इसमें अंदर खाने दो तीन पेज जुड़ जाते हैं ममता बनर्जी नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि लोकसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में भी हो सकते हैं क्या उसकी तैयारी की एक बानगी देख सकते हैं हालांकि विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं छह आठ महीने पहले 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रीपोन करा दिए थे इलेक्शंस। उसके लिए संसद के विशेष सत्र की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि हो सकते हैं चुनाव जल्दी उसी की तैयारियों में क्या कोई बिल लाया जा सकता है आज सुर्खियों में रहा बहुत कयासों का बाजार गर्म हो गया है बहुत से चैनलों ने चलाया वन नेशन वन इलेक्शन पर उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है वो एक विशेष सत्र नहीं कर सकता दरअसल कोई और तुरप का इक्का है क्या जिसका इस्तेमाल सरकार कर सकती है उसमें महिला आरक्षण बिल हो सकता है क्या वो सालों से लंबित पड़ा है राज्यसभा में आधी आबादी को तोहफे के तौर पर तैतीस फीसदी आरक्षण दिया जाए लोकसभा चुनाव में पर इसमें छिपी हुई बात यह है कि यह पांच दिन का स्पेशल सेशन यह कोई गुगली फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी या दरअसल टेंशन बढ़ने लगी है एनडीए के खेमे में घमंडिया कह दीजिए इंडिया को भ्रष्टाचारियों का गुट कह दीजिए अपनी जान बचाने वाले परिवारवादी वगैरह 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 अलग अलग संज्ञाओं से नवाजा गया है इंडिया गठबंधन को लेकिन यह संसद का स्पेशल सेशन क्या एनडीए में बढ़ती टेंशन का एक नमूने के तौर पर भी देखा जा सकता है क्या इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे